आज हम देखेंगे पार्टिंग लाइन ड्राफ्ट क्या है। सो ड्राफ्ट पे सेलेक्ट कीजिए। ये मॉडल हमने पिछली बार बनाया था। यहाँ पे देखिए, न्यूट्रल प्लेन हमने लास्ट टाइम देखा था, आज हम पार्टिंग लाइन प्लेन देखेंगे। इसमें क्या होता है, एंगल आप जो भी रखें 10 डिग्री, इसमें डायरेक्शन सेलेक्ट करनी होती है, एक्स वाई जेड जो भी है। हमने सपोज ये लाइन सेलेक्ट की, अब ये एक डायरेक्शन है, हमें टेपर किस तरफ करना है उसकी डायरेक्शन है। उसके बाद नीचे पार्टिंग लाइन है, हमें हमें लाइन सेलेक्ट करनी है फेस के लिए। अगर हम या तो हमने सेलेक्ट की ये डाउन लाइन, हम चाहे तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि ये, लेकिन ये लाइन और पार्टिंग एक ही कोइंसाइड होनी चाहिए। अब सेलेक्ट करें ओके। ये देखिए, ये यहां से टेपर हो गया। अब इसे एडिट करें, अब डायरेक्शन चेंज करें। यहां देखिए, डायरेक्शन ऑफ पुल में आप जाके रिवर्स डायरेक्शन सेलेक्ट कीजिए, ये एरो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अब ओके कीजिए, तो ये देखिए ये इस डायरेक्शन में आ गया, यहां से टेपर हो गया। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ड्राफ्ट पार्टिंग लाइन। डिग्री जो है हम 15 डिग्री करते हैं, डायरेक्शन जो है हम इसे लेते हैं, ठीक है, और पार्टिंग लाइन जो है हम इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं 15 डिग्री पे क्या होता है। ओके कीजिए, ये देखिए ये टेपर हो गया 15 डिग्री। एडिट फीचर में जाइए, अब आप चाहें तो डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। ये देखिए एरो की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। ओके, ये रिवर्स हो गया। तो ये था पार्टिंग लाइन ड्राफ्ट टूल, बहुत ही यूजफुल टूल है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर करना और लाइक करना ना भूलिए।